झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर फिर भी लिखा हुआ है सच बोलो। डूबने वाले अपने थे, नाब में किसने छेद किया सच बोलो। जी हां, नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप देख रहे हैं HCN न्यूज। राफेल मामले को लेकर भी आजकल कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां हर कोई झूठों की एक मंडी लगाकर बैठा हुआ नजर आ रहा है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आपको ये बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में राफेल मामले को लेकर सुनवाई हुई थी, जिसको लेकर अलग अलग तरह के जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं। इसके बाद एक नई तरह की राजनीति देखने को मिल रही है, जहां कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रही है और लगातार मोदी सरकार को कटघरे में खड़ी कर रही है। तो वहीं राफेल मामले को लेकर जो राहुल गांधी दावा कर रहे हैं वो भी हम आपको एक बार सुना देते हैं। क्या कुछ राफेल पर राहुल गांधी दावा कर रहे हैं ये आप एक बार सुनिए, उनका बयान क्या है। जो फाइलें थी सुप्रीम कोर्ट में, हमें बताया जाता है हिंदुस्तान की सरकार कहती है कि फाइलें गायब हो गई। गायब हो गई, चौकीदार जी ने हवाई जहाज का दाम बढ़ाया 526 से 1600 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए। यानी कि फाइलें गायब हो गई। कुल मिला के कहने की जो कोशिश की जा रही है वो लगातार ये कोशिश की जा रही है कि राफेल मामले से जुड़ी हुई कुछ फाइलें चोरी हो चुकी हैं। और ये सिर्फ ये रैली में, ये गोवा में एक रैली हो रही थी उसमें राहुल गांधी ने ये दावा किया। इससे पहले भी जिस दिन इस तरह की बातें सामने आ रही थी उसी दिन सवेरे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और उन्होंने कहा कि फाइलें गायब हो गई, जिसका मतलब ये हुआ कि राफेल की जो फाइलें हैं वो चोरी हो चुकी हैं। और कुछ ऐसा ही अटर्नी जनरल जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था, लेकिन उन्होंने क्या कहा था, क्या पूरी बात थी, उसको किस तरीके से मिसकोड किया गया, किस तरीके से उसको घुमाया गया, किस तरीके से उसको लेकर एक अलग तरह की जो राजनीति है उसको करने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में हमारे सहयोगी मुकुल आपको बताएंगे। तो मुकुल, क्या ये पूरा बयान क्या था, क्या अटर्नी जनरल जो थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था, पहले तो ये बता दीजिए दर्शकों को, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी लगातार पोस्ट देखने को मिल रहे हैं, लगातार जो बात कह रहे हैं लोग कि चोरी होगी, डिफेंस मिनिस्ट्री से कैसे कोई चीज चोरी हो सकती है, तो इसके चोरी का मतलब क्या है। देखिए मोहित जी, मैं आपको सीधी तौर पे और हमारे दर्शकों के बताना चाहता हूं कि विपक्ष ने इस बात को बड़े ही तरीके से घुमाने की एक कोशिश की है। अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि वह फाइलें गायब हुई हैं, गायब होने का मतलब चोरी नहीं होता, मतलब उन डॉक्यूमेंट्स का किसी ने मिसयूज किया, जैसे उनकी फोटोकॉपी करवाई, अटॉर्नी जनरल ने तब भी यही कहा था, लेकिन विपक्ष ने अपने मुताबिक इस चीज को घुमा दिया और ये कहा गया कि जो फाइलें थी वो चोरी हो गई थी। जी, जो फाइलें थी वो चोरी हो गई थी, ये कहा किस लिए था, ये भी एक बार मैं भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कहा कि कुछ फाइलें ऐसी थी जिनको लीक किया गया है, असली जो शब्द था वो लीक था लेकिन उसको गायब कर दिया गया। लीक इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने किसी चीज की फोटो ले ली, फोटोकॉपी कर ली या उसके जैसा दूसरा डॉक्यूमेंट्स उसने बना लिया तो वो लीक हो गया। तो इसी तरीके से कुछ फाइलें थी जो हाल ही में आपने एक अखबार में छपा हुआ देखा होगा, अब बिल्कुल फ्रंट पेज पे खबर थी और उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री रहे उस टाइम पे जो मनोहर पारिकर थे उनके कुछ नोट्स थे और भी कोई कई तरह के नोट्स थे, तो वो जो कट था वो पेपर कहाँ से आया, वो बिना अनुमति के कैसे पब्लिश किया गया, वो सारी चीजें थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस अखबार के खिलाफ भी अपमानना की बात कही है और ऐसे में कई तरह की और भी बातें कही जा रही हैं। लेकिन मुकुल, कैसे और दर्शक हमारे आसानी से समझ सकते हैं उस दिन सुनवाई क्या था, क्या सुनवाई थी, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के एक नेता थे उनको भी फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी, तो क्या सुनवाई थी, किस वजह से सुनवाई हो रही थी और ये मामला उठा कैसे। देखिए, 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी याचिकाएं थी वो सारी खारिज कर दी थी, लेकिन उसके बाद
तीन जो हमारे जो वरिष्ठ राजनीति में आते हैं, जो एक जिनमें से एक का नाम है अरुण शौरी जी और यशवंत सिन्हा और प्रशांत भूषण वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने साझा एक याचिका डाली सुप्रीम कोर्ट में, रिव्यू पिटिशन डाले कि आप फिर से गौर कीजिए, कि जो उनका कहना ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केंद्र सरकार ने दस्तावेज दिए हैं वो सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश नहीं करे हैं, मतलब कुछ चीजें सुप्रीम कोर्ट से छुपाई गई, उसके बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी। तो उनका कहना था इस याचिका पर दोबारा गौर किया जाए। लेकिन बात आती है यहाँ पर कि जब राहुल गांधी और जो विपक्ष है वो पूरा हमलावर हुआ, और उसके बाद ये तीनों लोगों ने याचिका डाली। इसी के साथ आम आदमी पार्टी के जो सांसद है संजय सिंह, उन्होंने भी साथ में एक याचिका डाली। तो सुप्रीम कोर्ट को दो याचिकाओं पर सुनवाई करनी थी, एक तो साझा याचिका इनकी थी और एक माननीय सांसद की। और उसके बाद क्या हुआ, जब उनकी जो सांसद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बेहद अपमानजनक है, जी मैं बताना चाहूंगा अपमानजनक का सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया कि इस पे सुनवाई नहीं की जा सकती। और साथ ही ये कहा गया है, जो अटॉर्नी जनरल ने कहा गया कि ये जो फाइलें थी वो गायब नहीं हुई थी, उनकी फोटो खींची गई थी या फिर आप कह सकते हैं कि उनकी फोटो कॉपी ली गई थी, लेकिन इसको पूरी तरीके से जो है मिसकोड किया गया विपक्ष द्वारा। तो मिसकोड किया गया, लेकिन ये भी कोई मामूली बात नहीं है कि डिफेंस मिनिस्ट्री में कोई चीज़ रखी है, कोई दस्तावेज है, वो भी बहुत ज़्यादा सुरक्षित चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ें हैं, उसके अगर कोई फोटो भी खींच रहा है और वो लीक भी हो रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इसको लेकर भी सरकार को कटघरे में खड़ा करना ज़रूरी है। लेकिन इस तरीके से कि भाई आपने डॉक्यूमेंट चोरी हो चुके हैं, वहाँ से कोई चीज़ चोरी हो गई है, ये कहना थोड़ा अजीब सा लगता है, वो भी तब जब अटर्नी जनरल ने ये बात सुप्रीम कोर्ट में साफ कर दी थी, और उसके बाद लगातार सरकार भी कहने की जो कोशिश वो कर रही है, लेकिन लगातार जो विपक्ष की तरफ से ये झूठ लोगों में परोसा जा रहा है वो अलग ही तरीका देखने को मिल रहा है। लेकिन संजय सिंह को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और जो उन्होंने पेटिशन वहां पे दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से लताड़ उनको लगाई थी, उन्होंने कहा था कि जिस तरह के शब्दों का आपने चयन सुप्रीम कोर्ट के लिए किया है वो आप आगे से ना करें, और इस बार भी आपकी इस मामले में ना तो कोई सुनवाई की जाएगी ना आपसे कोई इस बारे में कोई बातचीत आपकी पिटीशन पर की जाएगी। खैर, इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, और झूठों ने झूठों से जो कहा है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। जो दर्शक HCN न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।